अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में हरियाणा जो है होस्ट स्टेट के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है, और जो लोग हरियाणा नहीं आए हैं, चलिए सूरज कुंड मेले में आपको हरियाणा की संस्कृति से, वहाँ के खान पान से, वहाँ की जीवन शैली से रूबरू करवाऊंगी। और इस जीवन शैली को लेकर जो आए हैं महासिंह पुनिया जी, हर बार मेले में आते हैं और हर बार हरियाणा की ऐसी संस्कृति दिखाते हैं कि लोग जो है हरियाणा में की संस्कृति को देखने के लिए हर बार यहाँ हरियाणा के अपना घर में यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर भी हरियाणा का अपना घर देखिए, उत्साह कितना है, चाव कितना है। महासिंह जी, एक तरफ ताऊ जी का हुक्का और दूसरी तरफ हरियाणवी पगड़ी, किस तरह का समागम आप यहाँ दिखा रहे हैं? हम यहाँ पर हरियाणा की संस्कृति का एक अलग आयाम आपकी बार दिखाने का प्रयास किया है, और इसमें सेल्फी पॉइंट भी हरियाणा के हैं, और इसके साथ ही जो पीटा बुनाई है, चारपाई बुनाई है, उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं हरियाणा के। चलते चलते हम दिखाएं एक बार आपको, टूर करवा देते हैं एक हरियाणा के अपने घर का, और क्या कुछ खास है, कैसा हरियाणा का कल्चर है। देखिए सेल्फी पॉइंट्स जो है यहाँ पर बनाए हुए हैं, पगड़ी बंधवाकर सेल्फी लेने का क्रेज, और ये हरियाणवी संस्कृति की विरासत यहाँ से शुरू होती है सर। हाँ देखिए, ये हरियाणा की लोक सांस्कृतिक विरासत का एक ऐसा केंद्र है जिसके माध्यम से हम हरियाणवी संस्कृति को हाईलाइट कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें जो लुप्त हो चली हैं उनको हम यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जो युवा पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति से जुड़े जी। और उस दृष्टि से हमने यहाँ पर काफी चीजें जो है डिस्प्ले की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खटोले हैं, खटोलों के आकार प्रकार वो सारे के सारे आप देख सकते हैं। ये खटोले जो बुनाई कला है, ये जो बुनाई जैसे लहरिया है, इसमें जो डिजाइन है लहरिया है, इसमें डिब्बी है, ये डिजाइन समाप्त हो रहे हैं, इनको बुनने वाले समाप्त हो रहे हैं, तो हमने ये प्रयास किया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये चौपड़ का जो है, मतलब उसी तरीके से पेपर मैसी के जो बोहिये हैं वो भी आप देख सकते हैं कि पूरे इसमें जो इको फ्रेंडली है वो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही ये लगभग 100 साल पुराने जो ओरने हैं वो भी आप देख सकते हैं। डोल है, आपने गीत सुना होगा, मेरा डोल कुएं में लटका है, तो वो डोल है वो सारे। और ये कांटे और बिलाई बहुत रेयर चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, आप उसको देख सकते हैं सारे का सारा। इसके साथ ही ये जो रथ होते थे पहले, उनके उनके जो अपना उनके नीचे जो घंटियां लगती थी वो मतलब वो बहुत ही रेयर है, वो हमने यहाँ पर दिखाई है। खेतों में, ऊंचे खेतों में पानी देने के लिए डायल का प्रयोग करते थे, और दूध पिलाने के लिए रई का प्रयोग करते थे, तो वो सारी परंपराएं आप देख सकते हैं, पूरी परंपरा हमने यहाँ पर दिखाई है, और पूरी भीड़ आज देखने को मिल रही है। तो इस दृष्टि से आप देख सकते हैं कि जब लड़की की विदाई होती थी तो जब लड़की की विदाई होती थी तो उस समय लड़की की जो है घर से हाथ से बना करके फूलझड़ी देते थे। हरियाणवी कल्चर में मेरे ख्याल से वो देवर के यहाँ पर दी जाती है, देती है, और बहू और देवर अपने घर पर टांगते हैं, कुछ ऐसे टांगते हैं और नेक भी देते हैं, वो परंपरा उस तरीके से हमने यहाँ पर दिखाई है। हाथ से बनाए हुए झोड़े, जो थैले जिनको हम बोलते थे, ऊंट के लिए प्रयोग किए जाने वाले, पशुओं को बांधने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो न्योड़ हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस पूरी हवेली को हमने, आप देख सकते हैं कि जेड़ी और टांगड़ी जो पुरानी होती थी वो सारी की सारी हमने यहाँ पर, ये किस काम आती है सब? ये जो अपना मतलब गेहूं का जो टूड़ा है उसको इकट्ठा करने के लिए, भरने के लिए काम आती है। इस प्रकार ये दरी बुनाई की जो कला है हरियाणा में समाप्त हो रही है, तो उसको भी हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है। ये दरी बुनाई के जो डिजाइन है, ये कला है, ये बहुत ही आर्टिस्टिक चीज है, तो इस तरीके से हमने दर्शाया है। हरियाणा के लोक परिधान में आप देख सकते हैं, वायल है, चुनरी है, घाघरे हैं, खारे हैं, वो सारे के सारे हमने यहाँ पर दर्शाए हैं। एक चीज महासिंह की इसमें देखने को मिल रही है, मैं परिधान देख रही थी कि संस्कृति के साथ साथ जो पारंपरिक पहनावा है उसमें फैशन का तड़का भी मुझे यहाँ पर नजर। बिल्कुल, वो समय के साथ चलना पड़ता है, नहीं तो मतलब हम पीछे रह जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज करके मॉडर्न तरीके से नई पीढ़ी कैसे अडॉप्ट करे, तो उसका भी हमारा एक प्रयास है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये पहले जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे जो तोलने की परंपरा थी, ब्रिटिशर्स किलोग्राम और ग्राम में लेकर आए, लेकिन इससे पहले हमारी जो मण छटाक पहिया धड़ी उसमें था, ये 40 किलो का पाट जो है आप ये देख सकते हैं, एक मण का है, एक मण का देखने को नहीं मिलते नहीं मिलते जी, बहुत रेयर है।
100-100 साल 150-150 साल अलग अलग रियासतों के बाट हैं ये। आप देख सकते हैं कि जो ग्वालियर रियासत है उसी तरीके से दूसरी रियासतें हैं वो सारी, और ये सारे बाट बहुत ही मतलब रेयर है। और इस तरीके से पहले जो अनाज मापने का काम हम करते थे, अनाज इससे मापते थे, और ये परंपरा लगभग समाप्त हो गई है। पहले जब किसान में अनाज, किसान खेत में अनाज निकालता था तो हर एक जाति का अनाज अलग निकालता था, नाई का अलग, ब्राह्मण का अलग, खाती का अलग, लोहार का अलग, तो वो एक मतलब सांस्कृतिक परंपरा थी। पूरा गांव कंप्लीट यूनिट था अपने आप में, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते थे। तो उस तरीके से वो सारी चीजें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मैडम जी के चरखा, गांधी जी का चरखा भी है, गांधी जी का चरखा है जो स्वदेशी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश टाइम की लगभग 150 साल पुरानी ये केतली है, ये ब्रिटिश टाइम की है, अंग्रेज लोग इसे चाय में इसका प्रयोग करते थे। ये बहुत ही रेयर कलेक्शन हमारे पास है। और इसके साथ ही गांव में जब भी कोई अवसर होता था तो इसमें घी डाल करके, घी पूरा, घी शक्कर जो है इसमें से डालते थे। इसको हम लोटा भी बोलते हैं और इसको सागर भी बोलते हैं। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरी ये उस समय की बड़ी, इसे आप डी देन बिस्लेरी कह सकते हैं। जब अमीर लोग मुकदमा लड़ने जाते थे तो उनका नौकर पीछे पीछे पानी लेकर के उनके चलता था, तो ये डी देन बिस्लेरी आप कह सकते हैं, इसको लोट हुआ इसमें डला हुआ है। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। हाँ, और इसके साथ ही पुराना रेडियो है, लगभग 80 साल पुराना रेडियो है, ये बहुत ही रेयर है। ये पुरानी लालटेन है जो चौपाल होती थी, दहलीज होती थी, उसमें तमाखू रखने का मतलब ये एक होता था, लकड़ी का बना हुआ है, ये भी 100 साल से ज्यादा पुराना है। तो इस प्रकार सांस्कृतिक परंपरा को हमने यहाँ पर दर्शाया है। तो पूरी जो वो परंपरा है वो यहाँ पर दिख रही है। तो बर्तन सर, ये पुराने लगभग 150-200 साल पुराने बर्तन है, स्टोरेज के लिए काम आते थे, वो सारे आप देख सकते हैं। ये टोकने हैं, टोकनी है, ये बहुत रेयर है, ये लगभग 200 साल पुराना। ये वाला जो है ये कूट के बनाया हुआ है, छेद के बनाया है, उसमें कोई ज्वाइंट नहीं है, तो ये भी छेद करके बनाया हुआ है। तो इस तरीके से ये देखो आप, इसमें जो जोड़ लग रहा है, हाँ, वो छेद के बनाया हुआ है, बहुत ही रेयर मतलब ये चीजें हैं, ये आम जगह देखने को नहीं मिलती। और इस प्रकार ये कड़े वाला जो होता है, ये भी एक अलग तरीके से लगभग समाप्त हो गए 100 साल पहले, लेकिन हमने कलेक्शन में अपनी रखा है। इस तरीके से ये ऊंट की कुची है, इसको भी आप देख सकते हैं कि ऊंट की सवारी करने वालों के लिए, पीतल की है, भी 100 साल पुरानी आप देख सकते हैं, पीतल की है, बहुत ही रेयर है। और इस पे जो डिजाइन है वो आप सारे के सारे देख सकते हैं, तो बहुत रेयर ये सारी चीजें हैं। इस तरीके से ये लोहे का मटका है, ये आभूषण के लिए बॉक्स है, और ये कूट का, यानी कि कूट करके बनाया गया, इसमें जो दाल बनती है हारे में, मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं होता, बहुत ही रेयर पीस है ये। और इसमें 4-5 धातुएं जो है कूट करके इसे बनाया जाता है। ये हाथ से बनाए गए हुए जो बर्तन है बहुत ही रेयर है। और इस तरीके से सारा, इसी तरीके से ये भी, ये सारा इसमें, ये भी इसी तरीके से कूट का बना हुआ लोटा है ये। और इसमें हम अपना जो है घी भी रख लेते हैं और उस तरीके से दाल भी उबालते हैं। तो वो सारा इस तरीके से हमने प्रयास किया कि अब की बार मूडे हैं उनको भी हाईलाइट किया, हरियाणवी संस्कृति के लिए बहुत सारी चीजों को हाईलाइट किया। और आपका बहुत बहुत आभार कि आपका चैनल हमेशा हरियाणवी संस्कृति को बहुत अग्रणी तरीके से दिखाता है आपके माध्यम से। सर एक चीज और मतलब मैं देख रही थी कि सबसे ज्यादा जो संख्या है युवाओं की है, और बड़े उत्साह के साथ वो देख रहे हैं ये कला, शायद उनको ये पता भी नहीं है। जैसे आपने वो पुराने जमाने की बिस्लरी दिखाई कि हम टेक्निक की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये पहले ही बहुत कुछ संजोया हुआ है। बिल्कुल, देखिए युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन लोग पारंपरिक चीजों से जुड़ करके आगे बढ़े। और मैं ये कहना चाहूंगा अपनी संस्कृति से हम जुड़े रहे, अपने पूर्वजों से जुड़े रहे, क्योंकि हमारी जो संस्कृति बहुत वैज्ञानिक है, चाहे भोजन में ले ले, चाहे विषय वस्तुओं में ले ले, चाहे लोक परिधान में ले ले, चाहे आभूषणों में ले ले, चाहे दूसरी कलाओं में ले ले, हमारी संस्कृति वैज्ञानिक है। उसकी वैज्ञानिकता को पहचान करके हमने ये थोड़ा सा प्रयास किया। बिल्कुल, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला, जो कला लुप्त होती जा रही है, वो कला जिसको एक संजीवनी मिलने की उम्मीद है, उन कला को एक मंच दे रहा है। और हरियाणा का अपना घर, अगर आप सूरजकुंड मेले में आ रहे हैं और हरियाणवी संस्कृति, कला और विरासत से रूबरू होना चाहते हैं, तो महासिंह पुनिया जी ने जो यहाँ पर पूरी हरियाणवी सांस्कृतिक विरासत एक छत के नीचे यहाँ पर विराजमान की हुई है, जरूर आए और देखें कि हरियाणवी संस्कृति भी
किसी से कम नहीं है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।